सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। मैं इस समय अभीरा और अरमान की शादी की तैयारियों को देखकर सभी को ऐसा लग रहा है कि अरमान और अभीरा की शादी हो जाएगी, लेकिन अभीरा और अरमान की शादी नहीं होने वाली है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभीरा और अरमान की शादी ना होने की वजह दादी साई या रूही होगी, तो ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप ये सोच रहे हैं कि शादी वाले कॉन्ट्रैक्ट पेपर की वजह से शादी रुकेगी, तो ऐसा भी नहीं होगा। कुछ और बहुत बड़ी वजह अभीरा और अरमान की शादी के ना होने का रीज़न बनती नजर आने वाली है, और उसी के बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसीलिए अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। आप सभी ने देखा होगा कि रूही ने फूफा सा के मन में ये बात डाल दी है कि शादी से पहले अभीरा से उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करवा लेना चाहिए, और आप सभी ने प्रोमो में भी ये देख लिया होगा कि अभीरा ने उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करने से मना कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि शादी की तैयारी की वजह से अभीरा अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रही है, जिस वजह से उसे अपने करियर में नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, और काम की वजह से परिवार वालों से भी उसकी दूरी बढ़ती जा रही है। लेकिन ये तो रहे सीरियल के स्टोरी लाइन की बात। सीरियल की स्टोरी लाइन अभीरा और अरमान की शादी रुकने की वजह नहीं बनेगी। आप सभी को पता होगा कि हर सीरियल के मेकर से ही चाहते हैं कि उनका सीरियल टीआरपी चार्ट में टॉप 5 में रहे और उनके सीरियल को अच्छी टीआरपी रेटिंग्स मिलती रहे, और इस समय इस सीरियल को काफी अच्छी टीआरपी रेटिंग्स मिल रही है क्योंकि दर्शकों के मन में यह उत्सुकता बनी हुई है कि आगे सीरियल में क्या होने वाला है। लेकिन अगर सीरियल के मेकर्स अभीरा और अरमान की शादी दिखा देते हैं तो दर्शकों के मन में अभीरा और अरमान की शादी को लेकर एक्साइटमेंट नहीं रहेगा और उनका सीरियल से इंटरेस्ट कम हो जाएगा। इसलिए मेकर इस शादी वाली स्टोरी लाइन को और ज्यादा खींचते नजर आने वाले हैं। अभीरा और अरमान की शादी ना होने से इस सीरियल को फायदा हो गया नहीं, कमेंट में आप जरूर बताएं। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह इस टीवी सीरियल से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।